वर्ली से विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदि ठाकरे को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आदि ठाकरे जिनके ऊपर पिछले काफी टाइम से कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो हत्या का केस हो चाहे बलात्कार का केस हो, लेकिन सबसे बड़ी बात इन सब चीजों के बीच में उसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं और उस पर भी सवाल या निशान उठ रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में वर्ली में हुए एक कांड के बाद पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को अपडेट मिली होगी कि वर्ली हिट एंड रन केस में, जिसमें एक आरोपी जो है वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता का जो है बेटा है, जिसकी वजह से मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। और अब जो है इसी केस में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे ने सरकार से वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। उन्होंने नकवा परिवार से भेंट कर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच करने की मांग की है। इस दौरान आमदार असलम से पूर्व नगर सेविका है मांगी और साथ में ही उप विभाग प्रमुख हरीश भी साथ थे। वर्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार को जुहू के तारा रोड स्थित जिस वाइस ग्लोबल तापस पब एंड बार में मिहिर ने चार दोस्तों के साथ पार्टी की थी, उस पब के मैनेजर से पुलिस ने 40 से अधिक सवाल किए। बार संचालकों द्वारा कथित तौर पर लापरवाही बरतने के आरोप में न सिर्फ बार का अवैध हिस्सा ध्वस्त किया गया है, बल्कि जुहू के अलावा अन्य जगहों पर अवैध बारों और पबों पर एक्शन जारी है। पब का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और उसे सील भी कर दिया गया है। हालांकि अब जो है पब एंड बार को पूरी तरह से जमोदोज नहीं किए जाने से विपक्षी दलों ने सरकार की भूमिका और बारों को कथित संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाते हुए भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, आरोपी मिहिर शाह के पिता और शिवसेना शिंदे गुट के पालघर के उप शाखा प्रमुख राजेश शाह को पार्टी ने पद से हटा दिया है। राजेश शाह पर बेटे को बचाने, उसकी फरारी और ड्राइवर को मोहरा बनाने के अलावा सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में वह जमानत पर बाहर हैं, जबकि पुलिस के निशाने पर राजेश की पत्नी और उनकी बेटियां समेत मिहिर के कुछ दोस्त भी हैं, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोप है कि पिता के निर्देश पर ही मिहिर शाह, मां मीना शाह, दो बहनें पूजा और किंजल के अलावा एक दोस्त अवदीप गोरेगांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर शाहपुर स्थित एक रिजॉर्ट में छिपने के लिए रवाना हुए थे। रविवार को सभी वहां छिपे रहे थे, जबकि वर्ली पुलिस शाह को मुंबई में तलाशती रही। इसके बाद मिहिर अपने दोस्त अवदीप के साथ सोमवार की रात बिरार में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा। इस दौरान उसने मोबाइल बंद कर लिया था, लेकिन अवदीप समेत कई लोगों के मोबाइल ट्रेसिंग पर थे। मंगलवार को अवदीप ने जैसे ही 15 मिनट के लिए अपना फोन चालू किया, उसकी लोकेशन वर्ली पुलिस को पता चल गई, जिसके बाद मिहिर का बिरार फाटा के पास से गिरफ्तारी हुई। मिहिर को पकड़ने में क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की भी अहम भूमिका रही। बाय द वे, अभी जो है इस पर आदित्य ठाकरे ने सीधे सीधे आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है और हत्या का केस दर्ज करने की भी डिमांड की है। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।